ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दहेज के लालच में लड़कियों को प्रताड़ित करने के काफी मामले सामने आते हैं। देश में दहेज मांग को लेकर कड़ा कानून भी बना हुआ है, फिर भी घर की बहू बेटियों को लगातार दहेज के चक्कर में कोई न कोई प्रताड़ना दी जाती रही है। दहेज के लालची लोग कानून की धज्जियां उड़ाकर बहू बेटियों को दहेज के लिए दंडित करते रहते हैं। एक बार फिर दहेज के दानवों का गंदा चेहरा मध्य प्रदेश के जबलपुर में सामने आया है। घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशियां हैं खुशियां। घर में मेहमानों के आने का सिलसिला जारी था, बेटी की विदाई की पूरी तैयारी कर दी गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर एक ऐसी खबर आई जिससे इस परिवार की जिंदगी में भूचाल आ गया। परिवार की बेटी रुखसार, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, वो अचानक रुक गई। हर किसी का चेहरा बदहवास सा पड़ गया। खबर आई कि दूल्हा बारात लेकर नहीं आ रहा, क्योंकि उसको दहेज में सोना कम मिल रहा है। ये खबर सुनते ही इस परिवार पर पहाड़ टूट गया और हर कोई एक दूसरे के चेहरे देखने लगा। जरा सोचिए, शादी के ऐन मौके पर लड़के पक्ष के लोग ऐसा जवाब दें तो बेबस लड़की वाले क्या करेंगे। रुखसार के परिवार वालों का कहना है कि हमने अपनी हैसियत से ज्यादा सामान दिया था, लेकिन आज अचानक लड़के पक्ष से फोन आया और 3 तोले सोने की मांग करने लगे। लड़की वालों ने उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए थोड़े वक्त मांगा तो लड़के वालों ने बारात लाने से मना कर दिया। रुखसार की मां का रो रोकर बुरा हाल है और लड़के वालों पर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा रही है। फिर हमारे घर पंचर गाड़ी मांगने लगे, उसके बाद तो 3 तोला सोना मांगने लगे। चैन चाहिए हमें, नहीं तो बारात ही नहीं आएगी, बारात नहीं लगाएंगे हम। मांगने के बाद से चालू हुई है, अंगूठी दिए थे, कपड़े लत्ते दिए थे। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बस अपने